गणेश चतुर्थी ना पर्वे शहरों जाने के गणेशमय बनी गया है। आज तमाम गणेश भक्तों पोताना घर अने पंडाल में गणेश जी की स्थापना करी रहा है। अहमदाबाद में आज सवार थी अलग अलग विस्तारों में भगवान गणेश ने आवकारवा मोटी संख्या में भक्तों उमटी पड़ा। अलग अलग भगवान गणेश की मूर्तिओं ने पोताना पंडाल अने सोसायटी में लोग बिराजत करी रहा है। त्यारे अहमदाबाद गुलबाई टेकरा खाते गणेश भक्तों में एक अनेरो आनंद जोवा मळ्यो। ढोल नगारा ने नाचगान की साथे बापा मोरिया ना नाद की साथे भगवान ने वेलकम करता तेओ जोवा मळ्या। खास तो आ वक्त ना बजार ना ट्रेंड नी जो बात करवामां आवे तो सौथी वधु आपने जणावी दे के इको फ्रेंडली जे मूर्ति हती के जे माटी अथवा तो कोई अन्य इको फ्रेंडली वस्तु थी बनावामां आवी होय तेनु चलन वधु जोवा मळ्यु अने पीओपी नी मूर्तिओ खूब ओछी जोवा मळी। आ वर्षे पीओपी की मूर्ति अमे लाया छे, पहले थी बुकिंग करायेलू हतुं एटला माटे अमे भी इच्छता नथी के पीओपी अमे वापरीए, पण अमारे आ छेल्लू वर्ष छे अने पीओपी माटे भी छेल्लू वर्ष छे, एना पछी अमे पीओपी की मूर्ति यूज करवाना नथी अने इको फ्रेंडली मूर्ति अमे मंगल मूर्ति तरीके इको फ्रेंडली मूर्तिनो यूज करीए छीए अने सरकारना नियम मुजब अमे कुंडनी अंदर पधरावा माटे एग्री छीए। तो अमदावादमां गणेशोत्सव ने लईने लोकोमां अनोखो उत्साह अने खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो, साथे साथे लोकोमां पर्यावरण प्रत्ये जागृति पण जोवा मळी। अमदावादना मणिनगरमां पण केटलाक लोकोए पीओपी नी मूर्ति नी जग्याए माटी नी मूर्ति खरीदवानो आग्रह राख्यो। आ बाबते स्थानिकोनुं कहेवुं छे के मूर्ति विसर्जन बाद आ माटीनो उपयोग वृक्षारोपण माटे करवामां आवशे अने तुलसी क्यारामां नाखवा माटे प्रसाद रूपे पण आપવામાં આવશે। આ ત્રીજું વર્ષ છે ગણપતિ સાર્વજનિક મહોત્સવ કરીએ છીએ, બે વર્ષથી અમે પીઓપીની મૂર્તિ લાવતા હતા, પણ આ વર્ષે અમે એવું નક્કી કર્યું કે માટીની પ્રતિમા લાવીએ, જેના એનું કારણ એ છે કે દર વર્ષે નદીમાં વિસર્જન કરવા પીઓપીને જતા હોઈએ છીએ તો પર્યાવરણને નુકસાન થાય છે, તો આ વર્ષે અમે એવું નક્કી કર્યું કે પર્યાવરણને નુકસાન ના થાય એટલે માટીની ગણપતિની પ્રતિમા 15-18 ફૂટ મોટી લાવ્યા છે। એમ તો દર વર્ષે અમે મોટી લાવતા પીઓપીની, પણ આ વર્ષે માટીની પ્રતિમા લાવ્યા છે 18 ફૂટની।